कोरोना महामारी के बीच सुप्रीम कोर्ट से आज फिर बहुजन विरोधी खबर आई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बार फिर बहुजनों के आरक्षण पर वार किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आरक्षण के एक मामले में सुनवाई करते हुए एक बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं बल्कि ये एक कानून है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। पीठ ने कहा, आरक्षण क्या मौलिक अधिकार है? संविधान के अनुच्छेद 32 का उपाय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपलब्ध है। इस मामले में किसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है? आपकी दलीलों से लगता है कि आप सिर्फ तमिलनाडु के कुछ लोगों की भलाई के लिए बात कर रहे हैं। दरअसल डीएमके, सीपीआई, एआईएडीएमके समेत तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों ने मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को 50% आरक्षण के मामले पर याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने अपनी टिप्पणी करते हुए सुनवाई करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर बहुजन जबरदस्त विरोध जता रहे हैं। ट्विटर पर कॉलेजियम सिस्टम कलंक है हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। साथियों, अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, मासिक मेंबरशिप लेकर द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।